प्रेगनेंसी के समय अधिकतर महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती होती है, किसी को कम होती है तो किसी को बहुत ज़्यादा होती है। ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम देखी जाती है ये सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि फोर मंथ से देखी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज आना किस बात का संकेत है, कब ये नॉर्मल होता है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साथ ही साथ इससे बचने के लिए आप क्या क्या उपाय अपना सकते हो, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी, यानी कि आपका पहला बेबी आने वाला है या दूसरा बेबी आने वाला है। सो मैं हूं रेशु, आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो नॉर्मली फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ता है, जिस वजह से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये जो वाइट डिस्चार्ज है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? ये आना अच्छा होता है क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी से आपके सारी गंदगी बाहर निकालता है। ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो बॉडी से आपकी सारी गंदगी बाहर निकाल देता है प्राइवेट पार्ट के थ्रू, और बच्चे तक किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया नहीं पहुंचने देता है। पूरे 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में सुरक्षित रखता है क्योंकि ये बच्चेदानी के मुंह पर ही होता है, जिससे कि अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना पहुंच पाए। एक तरीके का ये सुरक्षा कवच होता है बच्चे के लिए। स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में ये पानी की तरह एकदम पतला हो सकता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा हल्का गाढ़ा हो सकता है सफ़ेद रंग का, और थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते यानी कि लास्ट के महीनों में आते आते, 7-8-9वें महीने में आते आते ये हल्का थिक हो जाता है। लेकिन आपको ये पहचानने की जरूरत होती है इस टाइम कि जो आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल है। तो जो आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है उसका रंग वाइट कलर का है, उसमें कोई भी स्मेल नहीं है, हल्का थिक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन आपको लगे कि जो आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है वो पीला है, हल्के ब्राउन कलर का है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी आ रही है, और इसका रंग पीला, हरा या लाल है, स्मेल बहुत ज़्यादा है, और आपको प्राइवेट पार्ट के अंदर या बाहर खुजली हो रही है, लाल लाल दाने हो गए हैं, चकत्ते जैसे दिख रहे हैं, जितनी बार भी आप यूरिन पास करते हो आपके प्राइवेट पार्ट में जलन महसूस हो रही है, पेट के निचले हिस्से में दर्द आपको महसूस हो रहा है, खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है प्राइवेट पार्ट में, तो ये इन्फेक्शन का लक्षण होता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है वो सीधा बच्चे तक पहुँच सकता है, बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए इस तरीके के लक्षण नज़र आने पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इससे बचने के कुछ टिप्स भी आपको ज़रूर अपनाने चाहिए, जैसे कि पहली चीज़ है आपको ज़्यादा गीलापन नहीं रहने देना है प्राइवेट पार्ट में। टाइम टू टाइम अपने प्राइवेट पार्ट को आपको सादा पानी से या फिर एक नेचुरल इंटीमेट वॉश से क्लीन करते रहना है। ध्यान दें, किसी भी केमिकल का इस टाइम पे इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जैसे कि हेयर रिमूवल क्रीम है, इनमें भरपूर केमिकल होते हैं जो कि इन्फेक्शन पैदा करते हैं। नेक्स्ट, आपको हमेशा कॉटन अंडरगारमेंट्स ही यूज़ करने चाहिए, मतलब कॉटन पैंटी ही पहननी चाहिए। और आपको लग रहा है कि वाइट डिस्चार्ज आया तो पैंटी गंदी हो गई है, तो आपको तुरंत अपनी पैंटी चेंज कर लेनी चाहिए। और इस टाइम पे आपको ज़्यादा टाइट जीन्स नहीं पहनना है, और ना ही नायलॉन वगैरह के जो अदर फैब्रिक के अंडरगारमेंट्स होते हैं वो भी यूज़ नहीं करने हैं। जितने बार भी यूरिन पास कर रहे हो सादा पानी से आपको हर बार वॉश करना है। पानी खूब पीना है, गर्मियों के टाइम में पानी में अगर कमी हो जाती है तो जलन होगी प्राइवेट पार्ट में और दिक्कत होगी। अपनी डाइट में ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल नहीं करना है, एक बैलेंस डाइट है आपको पूरी प्रेगनेंसी फॉलो करना है, जैसे कि आप ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट, फ्रूट जूस ले सकते हो अपनी पूरी प्रेगनेंसी, डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।